हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप। हमने हमारी राइड जो है बालोतरा से स्टार्ट कर दी है और आज हम जा रहे हैं, जगह नहीं बताएंगे, आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जहाज़। वो जहाज़ जो ना तो आसमान में उड़ता है ना पानी में, वो रहता है ज़मीन पे। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी जगह है और हम अपनी राइड जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है और पूरा एकदम जहाज के शेप में। अभी हम मंदिर परिसर में जा रहे हैं और आप मंदिर देख सकते हैं मंदिर किस तरह से बना हुआ है। जहाज मंदिर अंदर से इतना खूबसूरत है। अभी हम मेन मंदिर में चल रहे हैं और आपको मेन मंदिर का दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत है। हम आपको 360 वॉक अराउंड कराते हैं। मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर है।
अभी हम जहाज मंदिर आए हैं और आपने देखा होगा जहाज मंदिर का हमने आपको टूर कराया, कितना खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। आपको ऐसा फील होगा कि मैं एक आलीशान एक जहाज में ही, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं इस तरह का आपको इसमें महसूस होगा। अंदर से बहुत ही आलीशान है, पूरा कांच का काम किया हुआ है मंदिर में, बहुत ही भव्य मंदिर है। मंदिर परिसर में जब आए तो हमारे साथ यहाँ के व्यवस्थापक नितेश जी हमारे साथ है, और आइए हम इनसे मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि मंदिर में क्या क्या है। नितेश जी भैया नमस्कार, थोड़ा जयजीनंद आप हमें मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर में क्या क्या व्यवस्था है, और मंदिर पहले तो आप ये बता दीजिए कि मंदिर में मेन मंदिर किन का है, और लोग अगर यहाँ पे आए तो किन किन भगवान के साथ दर्शन कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे भगवान शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, अपने यहाँ भैरव जी की दादागुरु की मंदिर है, दादागुरु मूर्ति है अपने पास, सभी की मतलब सभी गुरुओं की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की हुई है, और एक रत्न मंदिर है जो 24 तीर्थंकर भगवान का मंदिर बोला जाता है, इसे श्री की आकृति में बना हुआ है और सारी मूर्तियां इसमें एक साथ है, इसमें टोटल 24 मूर्तियां है श्री की आकृति में बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत। तो और बताइए भैया इसमें मेन किन किन की मूर्तियां है स्थापना की हुई? शांतिनाथ भगवान की है, नाकोड़ा भगवान नाकोड़ा भैरव की है, पद्मावती माता जी की है, अंबिका माता की है, काला भैरव गोरा भैरव ये भी है अपने यहाँ पर प्रतिष्ठित, और दादा गुरु की प्रतिमा है, और अलग अलग गच्छ के गुरुओं की भी यहाँ प्रतिमा स्थापित हुई है। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर बहुत सारे अलग अलग गुरुओं की प्रतिमा है, तो हम अभी टूर कर लेते हैं और भैया से जान लेते हैं कि कौन कौन सी मूर्तियाँ कौन कौन से गुरुदेव की है। तो भैया एक आप हमें छोटा सा मंदिर का टूर करवा दीजिए। जैसे ये है जिनेश्वर सूर्य जी महाराज साहब जी के हैं, ये जिनेश्वर सूर्य जी महाराज साहब जी है, आचार्य श्री जिनेश्वर सूर्य जी कतल गच्छ के है, एक ये तपा गच्छ के है आचार्य जगचंद जी सूर्य जी महाराज साहब जी है, ये तीन थुई तीन स्तुति गुरुदेव की मंदिर है राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब जी की है, यहाँ पे जो ये पगले हैं गुरुदेव के उसके बारे में आप बताइए थोड़ा, ये किस तरह से है, क्या है इसकी कहानी? जैसे गुरुदेव पधारे थे अपने यहाँ पर मांडोला, और इनकी थोड़ी तबीयत खराब होती, तो इनकी तबीयत खराब होने के बाद इनको सपना आया, और वो मंदिर के रूपी जहाज रूपी मंदिर का सपना आया है तैरने की जहाज के ऊपर, तो उस सबसे ये देवलोक हुए, उनके बाद इनकी जहाज मंदिर में इनका जहाज की आकृति दी गई मंदिर में, और इनकी समाधियाँ बनाई गई है पगलियाँ यहाँ स्थापित किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर का जहाज मंदिर नाम क्यों रखा गया है, वो भैया ने इसकी हमें हिस्ट्री बताई है कि इसी कारण से इसका नाम जो है जहाज मंदिर रखा गया है। भैया हम देख रहे हैं जब यहाँ पे दाह संस्कार हुआ था तो महाराज का आशीर्वाद दिख रहा है, ये बता सकते हैं क्या है यहाँ पे? ये दाह संस्कार टाइम पे महाराज साहब जी का हाथ सीधा हुआ था, आशीर्वाद फल फूला रहा है या तीर्थ, इसलिए आशीर्वाद पूरा निकला था उन्हों का, और उसके विषय में आज भी उनकी अखंड ज्योत जलती है अपने यहाँ 24 घंटे। तो आप देख सकते हैं हम अखंड ज्योत का और उस चमत्कार का आपको दर्शन करा देते हैं कि किस तरह से चमत्कार हुआ था। आप देख सकते हैं जब महाराज का दाह संस्कार हुआ था तो इसमें से एक हाथ निकला था आशीर्वाद के लिए, अखंड ज्योत।
कोई भक्तगण यहाँ पे आया दर्शन करने के लिए मंदिर में, तो अपने मंदिर में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है जो कि उनका वो लाभ उठा सकते हैं, तो ज़रा आप बताएंगे हमें थोड़ा। जैसे अपने यहाँ पर भोजनशाला भी है और ठहरने की सबसे बढ़िया उत्तम व्यवस्था पूरी है, प्लस अपने यहाँ गौशाला भी है, जो कोई लाभ लेना चाहता है वो भी ले सकता है। और फुल फैसिलिटी है, अपन एक तरह से बोल सकते फुल फैसिलिटी, यात्री को कोई परेशानी नहीं आती है। भैया मैंने सुना यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी है सब, जिसमें साहित्य और मणिक महाराज जी के लिखे हुए कुछ ग्रंथ और पुराने साहित्य और इतिहास लिखे हुए हैं, तो लाइब्रेरी भी है अपने पास। तो चलिए हम आपको एक मंदिर का छोटा सा टूर करा देते हैं, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ भोजनशाला है, रहने की सारी व्यवस्था है, लाइब्रेरी है। तो चलिए हम उसका एक टूर करा देते हैं। पे रखी हुई है, आप इसके बारे में बताएंगे जरा हमें कि इतनी सारी मूर्ति यहाँ पे क्यों रखी हुई है? सर ये क्या है, मतलब अंजन शाला की हुई, अंजन की हुई मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियाँ हैं। कहीं कभी मंदिर बनता है और कभी किसी को लगता है कि हमें मूर्ति चाहिए, तो यहाँ से हम उसे अवेलेबल करा सकते हैं, तो मंदिर बन सके सुंदर एक मंदिर और जी मंदिर और बन सके। मूर्ति है सर, प्रतिष्ठित मूर्ति है सर, इसलिए यहाँ रखी हुई है, जिसको जरूरत पड़ती है वो पेड़ी पे कार्यालय में संपर्क करके और गुरुदेव से पूछ कर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आज आपको जहाज मंदिर का टूर करा दिया है, बहुत ही अच्छा मंदिर था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।